तो अब बात करते हैं अब की बार किसकी सरकार की। तो आज तीन राज्यों में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी में जश्न का माहौल है। पूर्वोत्तर में त्रिपुरा में एक बार सरकार रिपीट करती नजर आ रही है बीजेपी, और नागालैंड में भी बीजेपी को बहुमत मिल रहा है और जीत के जश्न में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झूमकर नाचकर गाते हुए होली से पहले ही रंग गुलाल उड़ाए हैं। मुख्यमंत्री भी दिख रहे हैं, मुख्यमंत्री माणिक साहा जो कार्यकर्ताओं को और बड़े नेताओं को, बिप्लव देव भी नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए, संबित पात्रा भी नजर आ रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, पार्टी कार्यकर्ता झूमते नाचते हुए त्रिपुरा में सरकार रिपीट होने का जश्न मना रहे हैं। महेश शर्मा भी दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। जश्न का माहौल, इस साल कई अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का परचम लहराया है। त्रिपुरा में सरकार रिपीट होते हुए दिख रही है, नागालैंड में भी बीजेपी गठबंधन जीत की ओर। और पूर्वोत्तर में मिली सफलता के बाद होली से पहले ही फाग नजर आ रहा है बीजेपी दफ्तर पर। त्रिपुरा में जहां 2018 में बीजेपी ने पहली बार जीत करके सरकार बनाई थी, हालांकि कुछ समय के बाद वहां मुख्यमंत्री जरूर बदलना पड़ा था। बिप्लब देव की जगह माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन पार्टी ने कंफर्टेबल मेजोरिटी के साथ जीत दर्ज की है। नॉर्थ ईस्ट के तीन राज्यों में आज चुनावी नतीजे आ रहे हैं और बीजेपी में जश्न का माहौल। बीजेपी के दिग्गज नेता और सांसद महेश शर्मा जश्न में नाचते हुए नजर आ रहे हैं। त्रिपुरा में मिली जीत कई मायनों में अहम, क्योंकि त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी। तृणमूल कांग्रेस भी मोर्चा लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन बीजेपी एक बार फिर से कंफर्टेबल मेजोरिटी की ओर। 32 सीटों पर जीत और बढ़त है, 31 में सरकार बनती है, लेकिन बीजेपी आराम से जीत की ओर बढ़ती हुई। यहां मुकाबला कई फ्रंट पर लड़ा जा रहा था। टेपरा मोथा पार्टी जो कि नई प्लेयर थी, जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और 13 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPIM और कांग्रेस के लिए बहुत खराब प्रदर्शन, दोनों मिलकर महज 14 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए दिख रहे हैं। बड़ा सवाल यह कि क्या जो विपक्षी एकता की बात कही जा रही है बीजेपी के खिलाफ 2024 से पहले, उसकी एक झलक त्रिपुरा में दिखाई दी, जहां बिल्कुल वैचारिक ध्रुवों पर अलग अलग खड़े कांग्रेस और CPIM साथ आए, लेकिन दुर्गति से बच नहीं पाए, करारी हार मिली है। बीजेपी एक बार फिर जीत हासिल करती हुई, हालांकि एक थर्ड प्लेयर वहां जरूर उभर करके सामने आया है त्रिपुरा मोथा के तौर पर, लेकिन बीजेपी स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुकी है। नागालैंड में भी बीजेपी को बहुमत मिलता हुआ गठबंधन के दम पर। नागालैंड के 60 सीटों में बीजेपी गठबंधन आराम से कंफर्टेबल जीत की ओर बढ़ता हुआ। तो इस साल कई अहम राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और इसे 2024 का सेमीफाइनल अगर कहा जाए तो सेमीफाइनल का पहला राउंड बीजेपी के नाम रहा, जहां दो राज्यों में, पूर्वोत्तर के राज्यों में बीजेपी ने कामयाबी का परचम लहरा दिया है। हालांकि विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि त्रिपुरा में
बीजेपी की सीटें काफी घटी हैं, परफॉर्मेंस काफी खराब हुई है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और सीपीएम का वहां सफाया हुआ है, बेहद खराब परफॉर्मेंस हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं इसका असर आने वाले दिनों में की राजनीति पर भी जरूर पड़ेगा, जहां विपक्षी एकता की बात की जा रही है ताकि बीजेपी को हराया जा सके। हालांकि मेघालय में बीजेपी बहुत कामयाब नहीं नजर आ रही है। मेघालय में पार्टी सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिख रही है। We'll be right back.